राम राम बिसारा ने आज के ब्लॉग की करते हैं शुरुआत भाई। और आज थाई डे है और वैलेंटाइन डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके बत्ती भाई आप सब ने बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं भाई। और देश के वीरों को ज्यादा याद करा करो भाई, प्रणाम है देश के वीरों को। अरे वैलेंटाइन डे बाहर का चस्का भाई, अरे ना मानते इन सब चीज जाना है। प्यार एक दिन का मोहताज आज से के मारा प्यार तो सदा 365 दिन एक तरफा। धरती का सारा कौन आसप कहती है हम जी तो प्यार करे एक पाप धरती के सारी खिलाफत में उस कहती है। जय बाबा की, ठीक है भाई। अरे देसी आदमी है यार, जो करेंगे डंके की चोट पे, किसे साले तो नहीं डरते भाई। इज्जत और भय दो चीजें होती है, इज्जत है भय कैसे तो नहीं, भय उसका सिर्फ वो चाह होगा तो कितने तो बिठा लेगा भाई। अरे ओके किस मानस मुनस का किसी का नहीं यार, अपनी शांत जी रहे, अपना कमा रहे, अपना खा रहे। तो पहला वर्कआउट है थाई के अंदर में मेरे भाई, टॉपिक पे आते हैं फ्री स्क्वाट। तो फ्री स्क्वाट लेनी है एंड स्लोली 15 रेपिटेशन फिर 25 25 के तीन वर्कआउट करेंगे चालू थाई का। मिलते हैं मेजर सेट पे। तो भाई स्क्वाट लेवेंगे, पहला वर्कआउट है वेटेड स्क्वाट एंड 40 किलो और 20 60 किलो से करेंगे। पिछली बार मैंने लिया था 100 किलो, आज लेंगे भाई 120 या 140। धीरे धीरे ही आप वेट इंक्रीज करें क्योंकि ओवरलिफ्टिंग से बचें, ईगो लिफ्टिंग से बचें। तो बढ़िया वर्कआउट की शुरुआत मेरे भाई, स्क्वाट 8 रेपिटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भाई दोस्तों ये लेवेंगे आप फाइनल सेट। तो ये मेरा फाइनल सेट भाई और वेट हो गया है 120 केजी। लेट्स सी रैप कितने आएंगे, ज्यादा नहीं लेने, टारगेट है 3 से 4 रैप। वन टू ओम थ्री ओहो फोर। हमेशा मैं कहता हूं आपको कि ओवर ट्रेनिंग से बचे। मैं चाहता था इसके और भी रैप आ जाते, लेकिन जो आपका शेड्यूल जो आपकी बॉडी की जरूरत है उतनी सप्लाई करें। ओवर ट्रेनिंग से बचे, हेल्दी रहने का सबसे बढ़िया इफेक्ट है और कभी इंजरी नहीं होगी। अब है भाई लेग प्रेस की बारी। तो स्क्वाट देखा आपने, अब लेग प्रेस में और ऑलमोस्ट वेट 25 की भी है इसमें प्लेट और भाई 20 की भी है, तो मिक्स है। तो सेट लेंगे, फाइनल सेट है और कभी भी थाई करते वक्त लेग प्रेस के अंदर आपको नी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करने या जॉइंट आपके बोल जाएंगे, जो इंजरीज होती हैं ऐसे ही होती हैं और हिप बोन पे भी आएगा। तो हल्का सा लिटिल बैंड एंड जस्ट चार पांच छ हो और ऊपर लाके टाइट जरूर करना है। और उसके बाद अपने शेड्यूल में और थाई के दिन मजा तो आवे, लेकिन एक चीज बताऊं दोस्तों साथियों, इब आ गया भाई फाइनल सेट का टाइम। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये अब एट ऑफ एट नाइन या होल्ड करने से ना आपकी स्ट्रेंथ और मसल्स में जो पेन है ना वो बीच में ऐसे तीन है ना किक वाले रैप जरूर दे आप एकदम स्टार्ट करके। और जब मसल्स को एकदम पता भी नहीं हो कि अब शॉक लगने वाला और वैसा शॉक दे, 3 से 4 रैप ऐसे जरूर करें और थाई बनने से कोई नहीं रोक सकता भाई। हिप आपने ले लिया एक्सटेंशन, अब इसके बाद लेंगे कल, कल के बाद लेंगे काज शुरुआत। तो भाई अब ले होंगे फाइनल हम सेट, चौथा वर्कआउट है भाई मेरा और लेग कर्ल। बहुत सिंपल वर्कआउट करता हूं थाई का। तो 10-12 रेपिटेशन और इसके साथ साथ
फ्री काफ्स, स्टैंडिंग काफ रेज बहुत जरूरी है आपके काफ मसल के लिए। 2, 3, 4, 5 ये मतलब आप फ्री खड़े होकर जैसे बात कर रहे हैं आप इसको कर सकते हो, लेकिन फील नहीं टूटना चाहिए। माइंड कनेक्शन अगर मसल से आपका टूट गया तो आपकी बॉडी नहीं बन सकती मेरे भाई।